तो क्या इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में न्यू प्लेन आ चुका है जिसके अंदर आप बैठ भी सकते हो और वो उड़ता भी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ ये है कि स्विमिंग पूल में लैम्बोर्गिनी V2 स्पॉन करो, बैठ कर फर्स्ट पर्सन लगा कर देखो, पानी गायब हो जाएगा। तो इधर गाइस मैंने स्विमिंग पूल के अंदर लैम्बोर्गिनी V2 जो कि 700 के कोड से आती है स्पॉन कर दिए और मैं थोड़ा गलत तरीके से बैठ गया हूँ। इसमें ऐसे नहीं बैठना है हमें, मैं थोड़ा गलत बैठ चुका हूँ। यहाँ पे सनरूफ के बाहर आ जाएंगे अगर हम लोग ऐसे बैठेंगे तो, नॉर्मल बैठना है हम लोग को, ठीक है। मैंने क्या कर दिया कि वॉल पे निकलते हुए बैठ गया था, ऐसे बिल्कुल ही नॉर्मल बैठना है पानी में उतर के और फिर करना है अलग ले, आप देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन मैंने कर लिया है और मुझे सच में आगे का पानी दिखाई नहीं दे रहा है। स्विमिंग पूल के अंदर का पानी भाई है, देखो थर्ड पर्सन में दिख रहा है लेकिन फर्स्ट पर्सन में वो गायब ही हो गया है भाई। मतलब एक बूंद भी नहीं है पानी, पूरा पानी नीचे से ऐसा लग रहा है कि गायब हो चुका है गाइस। पता नहीं ऐसा ग्लिच कैसे हो रहा है, शायद हम लोग की हाइट बहुत ज्यादा नीचे है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि अगर हम फॉर्च्यूनर का चीट दबा के फॉर्च्यूनर के टायर पे देखे तो RGS लिखा हुआ है। तो गाइस ठीक है, हम लोग फॉर्च्यूनर बुलाते हैं, 1000 के कोड से आती है फॉर्च्यूनर। अब हम लोग इसके टायर में देखेंगे, जिसके लिए स्नाइपर ले लो, उसके बाद इस पे जूम करेंगे और देखते हैं। अरे हाँ यार, इसके टायर पे तो RGS लिखा हुआ है गाइस, RGS का लोगो लगा हुआ है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था यार। इतना खतरनाक डिटेल में आपने देख कैसे लिया, ये वाले टायर पे भी लिखा हुआ है, दोनों टायर पे, मतलब कि चारों टायर पे लिखा हुआ होगा। कोई सी तो गाड़ी है, शायद इंडीवर है, जिसकी यार डिग्गी में ना RGS चिपका हुआ रहता है और वो हवा में भी उड़ता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन पहले हम लोग ना लेजेंडर में देखते हैं क्या इसके टायर पे भी ऐसा है। वैसे इसके टायर पे भी मुझे ऐसे ही लग रहा है यार, वैसे ये भी फॉर्च्यूनर ही है ना एक तरीके से। तो ये देखो गाइस, इसके टायर पे भी RGS लिखा हुआ है और एक बार इंडीवर में भी चेक कर लेते हैं। नहीं, इंडीवर का थोड़ा अलग लग रहा है, इसमें नहीं होगा शायद से, नहीं है, ओके नहीं है इसमें। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप पुलिस स्टेशन के बाहर गन वाले गार्ड को RPG से मारो तो पुलिस स्टेशन की पुलिस आपको नहीं मारेगी। अब ये मिथ भाई स्किप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मिथ आप सबको पता होगा कि RPG मारने से पुलिस अपन को नहीं मारती है। लेकिन एक चीज मैंने और नोटिस करी जो कि बहुत ही रेयर चीज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो, अगर हम लोग इनको RPG से उड़ा देते हैं, ठीक है, मान लो ये दोनों पुलिस वाले खड़े हैं, ठीक है, इसको उड़ा दिया, ये तो भाई फोल्ड ही हो गया पूरा, इसको भी उड़ा दिया हमने, ठीक है, 3 स्टार भी आ चुके हैं मेरे ऊपर। अब देखना अब क्या हो सकता है, देखो ये दोनों तो मर गए, ठीक है, लेकिन अब मैं इन प्रिजनर को या फिर ये NPC को मैं गोली मारता हूँ ना, तो ये लोग रिएक्ट क्यों नहीं करेगा, ये बहुत ही रेयर चीज है। देखो इसको भी मैं गोली मारता हूँ, अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा इन तीनों को, उठ के आ ही नहीं रहे, ठीक है, प्रिजनर को भी मार दिया, अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखना एक और अच्छी चीज, ये देखो अब मैं इन्हीं को मार रहा हूँ, ठीक है, इसको ही मार रहा हूँ, अभी भी इन दोनों को फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, मतलब बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ रहा। एक और मार दिया, वो अभी भी मुंह देख रहे हैं यार। ये चीज मुझे समझ नहीं आई कि जब मैं तुम्हें ही गोली से मार रहा हूँ तब तो रिएक्ट करो भाई। एक और चीज चेक कर लेते हैं, क्या अगर हम लोग अब किसी बाहर के NPC को मारते हैं तो क्या फिर ये रिएक्ट करेगा, क्या तब इसके अंदर का पुलिस जागेगा, ये भी चेक कर लेते। तो अभी मुझे दूर में थोड़े NPC दिखाई दे रहे हैं, स्नाइपर से मारते हैं एक आध किसी को, क्या थोड़ा दूर है ना इसलिए एम खराब हो रहा है गाइस, वैसे मैं मार देता हूँ, पता नहीं अभी क्या हो रहा है। अरे ठीक है, मार दिया। अब देखते हैं क्या इसका खून खोला, क्या अब ये पुलिस वाला बनेगा कि अभी भी बैठ के मुंह देखेगा, मुझे लग नहीं रहा, वैसे वो उठ के आ रहा है, वो अभी भी भाई अपनी कुर्सी पर ही बैठा हुआ है। वो देखो इसको फर्क ही नहीं पड़ता यार, तू कैसा पुलिस वाला है भाई, तेरे सामने सबको मार दिया मैंने यार, ये किसी काम का नहीं है, इसको भी मारो। तो ये चीज़ है अलग गाइस जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम अपनी पोजीशन सेव कर लेते हैं फिर फर्स्ट पर्सन में लोड करते हैं तो फिर लोड काम नहीं करता है। ठीक है गाइस, मैं फर्स्ट पर्सन में आ चुका हूँ। अब पहले हम लोग, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है यार, ये देखो हमारा फ़ोन ही अब काम नहीं करता फर्स्ट पर्सन में, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये क्यों हो रहा है यार। अच्छा इसलिए तो नहीं हो सकता कि हमारा मोड ऑन ऑन है, तो इसको मोड ऑफ कर देते हैं। अब देखते हैं गाइस, अगर ये हुआ ना तो आप लोग भी ये चीज़ कर लेना जिसका फर्स्ट पर्सन में काम नहीं कर रहा होगा, अब ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो अब वर्क कर रहा है, तो गाइस आप लोग ही मोड ऑफ कर लेना, अगर फ़ोन काम नहीं कर रहा हो तो फिर काम करने लग जाएगा। अब करते हैं सेव। ठीक है, ये देखो मैंने सेव लिख दिया, फर्स्ट पर्सन में लिखा है। अब चलते हैं थोड़ा सा दूर ताकि फिर हम लोग लोड कर पाएँ, यहाँ तक आ जाते हैं बस, इतना काफ़ी है, अब लोड करके देखते हैं। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट पर्सन किया और ये मेरा फ़ोन बंद हो गया, ये क्या हुआ भाई, अरे कुछ भी होता है यार इसमें, रुको फिर से करते हैं। ये फर्स्ट पर्सन किया, लोड लिखा और टिक किया और मैं आ चुका हूँ, ये देखो।
ये हो चुकी है हमारी पोजीशन लोड, है ना, तो ये फर्स्ट पर्सन में तो काम कर रहा है मतलब। चलो अभी मैंने दूसरा मोड लगा लिया और बिल्कुल दूर भी आ चुका है, एक और बार ट्राई करते हैं और फिर से लोड हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अपडेट के बाद पुलिस स्टेशन में जो पार्किंग लाइन है उनका कलर चेंज हो गया है। अभी के अपडेट में ना कुछ गड़बड़ हो गई है जिसके कारण है ना सब चेंज हो गया है, हाउस थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया है, हमारा पुलिस स्टेशन भी बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, तो इसलिए हो सकता है ये भी चेंज हो गया हो। तो देखते हैं, हाँ ये मुझे अलग ही ग्रे कलर का लग रहा है, पहले ये पूरा व्हाइट कलर का हुआ करता था लेकिन अब ये ग्रे कलर का हो रहा है। लेकिन देखो थोड़ा दूर देखे ना तो यहाँ से ये व्हाइट लग रहा था लेकिन पास आके फिर से ग्रे हो रहा है, तो ये कुछ शेडो का है मतलब, है ना, शेडो की कुछ गलती है शायद, यहाँ पे ज़्यादा शेडो लग चुकी है इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ से व्हाइट लग रहा है, ये पास जाऊँगा तो ये भी ग्रे हो जाएगा, तो यही कुछ दिक्कत है, ये फिक्स हो जाएगा इस नेक्स्ट अपडेट में। मैंने वीडियो देखी है उसमें अगले अपडेट में वापस सब लाइट हो चुका है तो दिक्कत नहीं है, ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि 6666 वाली कार फुल सेटिस्फाइंग है, सारे के सारे शीशे टूट जाते हैं। अच्छा मतलब आपको शीशे तोड़ने में बहुत सेटिस्फाइंग फील होता है, ठीक है भाई मुझे ही मज़ा आता है, चलो देखते हैं। देखो पहला कांच तोड़ा टूट गया भाई, मज़ा तो आ रहा है यार सच में, फील आ रही है। तीन कांच पे गोली मारी भाई, तीनों कांच टूट गए, अभी तक ऐसी कोई कार मैंने देखी नहीं है जिसके सारे कांच टूट जाते हों, लेकिन आज शायद हमें वो कार मिल चुकी है भाई। एक के कार तोड़ने में क्या मज़ा आ रहा है, ये देखो भाई कार की बोल रहा हूँ, कांच है सॉरी, ठीक है तो यहाँ पे, लेकिन गाइस ये कांच तो देखो टूटेगा ही नहीं, ये तो मैंने थोड़ा ज़्यादा सोच लिया, लेकिन एक ये कांच रह चुका है जो कि आपने बोला था कि सारे कांच टूट जाते हैं, पर यहाँ पे एक कांच ये वाला रह चुका है और मुझे लगता है ये भी होगा और ये पीछे वाला भी रह गया होगा, ये छोटा वाला, ये देखो यहाँ पे भी रह गया, तो ये दो कांच रह चुके हैं इसलिए सारे कांच नहीं बोल सकते हम लोग, तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप H8 लिखोगे तो छोटे दरवाजे वाला होटल आ जाएगा। तो खोलते हैं RG स्टूल को और लिखते हैं इसमें H8 और करते हैं टिक। हमारे सामने एक हाउस आ चुका है, H8 से हाउस आता है गाइस और B8 से बिल्डिंग आती है, ठीक है तो अब मैं पहले मॉड ऑफ कर लेता हूँ ताकि हिले नहीं, अब देखते हैं। हाँ यार वैसे साइज में तो बहुत ज़्यादा ही छोटा लग रहा है बाकी बिल्डिंग से, ये क्या है भाई इसका गेट इतना छोटा, ये तो बहुत ज़्यादा ही छोटा है यार, और ये देखो ये मेन गेट भी कितना छोटा है, ये दीवार भी ट्रांसपेरेंट है लेकिन वो छोड़ो यार, इतना छोटा गेट मतलब भाई ये किसके लिए बनाया था, या तो ये किसी मिनी सिटी का पार्ट तो नहीं है हमारे गेम में, मतलब भाई बिल्कुल एक छोटी सी सिटी आ जाए, सोचो आप इसका जो शटर भी है ये भी कितना छोटा है यार, और बिल्डिंग भी वैसे छोटी लग रही है, एक बार पीछे देख लेते, अगर पीछे इसके कोई खिड़की या गेट हो तो समझ में आ जाएगा। अच्छा पीछे भी दो गेट है गाइस, ये देखो ये कितने छोटे, ये हमारे साइज के लिए तो बने ही नहीं थे यार, ये बहुत ज़्यादा ही छोटी बिल्डिंग है यार, इसको देख के ही ना बिल्कुल मिनी वर्ल्ड वाली फीलिंग आ रही है, कोई खिड़की विड़की होती है ना अच्छे से तो और समझ में आ जाता ऊपर कहीं। एक काम और चेक कर लेते हैं भाई अपन लोग, कि इसको ना ऊपर करके देख लेते हैं मॉड ऑन से, पता चले ये ज़मीन में धंसी हुई है बिल्डिंग और हम सोच रहे हैं कि भाई छोटे छोटे गेट है, तो ये देखो मैंने इसको ऊपर कर दिया है और अभी आप इसका प्रॉपर साइज देख सकते हो जो कि छोटा ये गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा छोटी बिल्डिंग है इसलिए हमारे गेम में ऐड नहीं करी गई है, बहुत ज़्यादा मिनी वर्ल्ड वाली बिल्डिंग है ये, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप 556 डालोगे तो न्यू एरोप्लेन आ जाएगा। इसके लिए पहले हम लोग आएंगे एयरपोर्ट पे, क्योंकि एयरपोर्ट पे ही हमारे कुछ प्लेन खड़े हैं भाई जो कि चलते ही नहीं है, और यहाँ पे हमारा एक प्लेन खड़ा है जो कि 555 से आता है गाइस, याद रखना। तो मिथ में बोला गया है कि 556 से न्यू एरोप्लेन आएगा, तो चीट कोड डाल दिए मैंने, ठीक है यहाँ पे खाली जगह पे स्पॉन करके देखते हैं न्यू एरोप्लेन को, ठीक है करते हैं कॉल, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आया यार, भाई न्यू एरोप्लेन कब आएगा यार हमारे गेम में, मुझे भी चाहिए गाइस, क्योंकि न्यू एरोप्लेन जब आएगा ये बड़ा वाला एरोप्लेन सबको चलाना है भाई, क्योंकि इसमें अलग ही मज़ा आएगा, छोटा वाला तो चला है लेकिन बड़ा वाला भी चाहिए गाइस, किस किस को चाहिए यार कमेंट में सबके सब यार एरोप्लेन लिख दो जिसको भी एरोप्लेन चाहिए, और ये मिथ बस्टेड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी मज़ेदार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट कर देना अपने अपने मिथ्स ताकि हम उनको ले अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में, और मेरी पिछली वीडियो आपको देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।